ये फाइनल तो आप लोगों को याद होगा, मोहम्मद साला उधर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, और पूरा और रियल मैड्रिड का जो फाइनल था बहुत बढ़ देखो। रोनाल्डो मोहम्मद साला को देख रहा है, मोहम्मद साला का बेस्ट सीजन था ये वाला सीज़न। ये देखो दुआ मांग रहे हैं मैच स्टार्ट होने से पहले लिवरपूल के फैंस। देखो अब बाल, अब मैच देखो, पूरा मैच मोहम्मद साला लिवरपूल के कंट्रोल में था। जितना ज़्यादा बाल मुझे नहीं लगता कि मैड्रिड के पास था, उतना सिर्फ मोहम्मद साला के पास था लिवरपूल के। अब देखो पूरा मैच लिवरपूल के अंडर था जब तक मोहम्मद साला पिच पर था। ये वो मैच था जहाँ पर सर्जियो रामोस ने फिर मोहम्मद साला को इंजर्ड किया, उसका हाथ पकड़ कर उसको गिराया और फिर वो इंजर्ड हो गया। फिर मैच रियल मैड्रिड के पास चला गया और उसके गोलकीपर से कुछ मिस्टेक हो गए और फिर देखो शॉट यार ब्लॉक हो गया। मोहम्मद साला इस मैच में फायर था और इस सीज़न पूरा सीज़न मोहम्मद साला ने गोल्डन शूज जीता था, गोल्डन बूट जीता था इस सीज़न में। पूरे यूरोप में टॉप स्कोरर था मेरे ख्याल से, कुछ ऐसा था इसका। ये मोहम्मद साला का बेस्ट ईयर था और लिवरपूल चैंपियंस लीग जीत रही थी रियल मैड्रिड से। इसके सीज़न के बाद फिर तो लिवरपूल ने मैच जीता, चैंपियंस लीग जीता, लेकिन इस सीज़न में मैच पूरा लिवरपूल के पास था। फिर जब मोहम्मद साला इंजर्ड हो गया फिर मैच चला गया मैड्रिड के पास और मैड्रिड ने 3 गोल स्कोर किए। अब देखो यहाँ पर इसके बाद सर्जियो रामोस की इस तरह उसको इंजर्ड करते, देखो बाल नहीं है, बाल साला के पास भी नहीं है और उसने सर्जियो रामोस ने उसको पकड़ कर देखो इस तरह उसको गिराया। ऐसा लग रहा है जैसे जानबूझकर उसको गिराया, उसको इंजर्ड किया, देख सकते हो आप लोग। यार मुझे बहुत बुरा लगा यहाँ पर। और यहाँ के बाद लिवरपूल का मैच ख़त्म हो जाता है और मैड्रिड का मैच स्टार्ट हो जाता है।